हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ विप्रो स्टॉक को लेकर, और मैं कंटिन्यू इस स्टॉक पे वीडियोस बनाता हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से मेरे पास इसी स्टॉक को लेकर कमेंट्स आते हैं। देखिए, इस स्टॉक पे मैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, शायद वो लोग तो पक भी चुके होंगे इस स्टॉक की वीडियो से, और जिसके पास है उसे कहीं ना कहीं डेली बेस पे एक बूस्ट और या फिर मोटिवेशन कह सकते हो आपको मिलता होगा स्टॉक में। मैं सबसे पहले बता दूं अपनी राय, तो मेरी राय है वन साइडेड, और वो है तेजी की तरफ, चाहे वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। देखिए, कल भी मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी, एंड शायद परसों भी, और शायद उससे पहले भी। तो डेली बेस पे आपके लिए विप्रो पे तो एक वीडियो मेरी तरफ से आ ही रही है, क्योंकि कमेंट्स कम ही नहीं हो रहे हैं इस स्टॉक को लेकर। देखिए, 478 रुपीज फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई है स्टॉक। क्या इस स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए? सबसे पहले बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई दिखी है इस आज के सेशन में इस स्टॉक के लिए। वो क्या है वो बताऊंगा। एंड गाइस, आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं इस स्टॉक के लिए, ये स्टॉक इन लेवल्स पे क्या एक वैल्यू बाइंग है? इसका जवाब होगा सीधे सीधे हाँ, बिना बात के देरी करे मैं बता दूं। अब जिसकी पोजीशन ऊपर में फंस गई है अराउंड 550-600, तो वो डर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट क्या उनका डरना लाजमी है या फिर उन्हें हिम्मत करके यहाँ पे अपने स्टॉक को एवरेज आउट करना चाहिए? ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड आपके साथ ऐसे की पॉइंट शेयर करूंगा इस स्टॉक के जो आपको मोटिवेट तो नहीं कह सकते, बट जो आपको इतनी हिम्मत देंगे कि आप कहोगे यार मेरा स्टॉक तो बहुत ही शानदार है, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं, मुझे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं हम आगे। उससे पहले एक चीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए और यार पसंद आए ना, तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपके लाइक देख के ना यार काम करने का ज्यादा मन करता है। वैसे ही आपके लिए डेली बेस पे 10-12 वीडियोस लाता हूं मैं। एंड गाइस, आपका किसी स्टॉक से लेकर कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है। 478 रुपीस पे बंद हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज के सेशन में जो हुई है वो हुई है इसमें वॉल्यूम्स। देखिए आप, 1.57 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम इसके 74 लाख शेयर्स का है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन डबल शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में। ऐसा तो कोई ना खबर थी ना किसी तरफ से कोई बाइंग बनी, बट फिर भी स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी का क्या रीजन है? इतनी बड़ी तेजी तो नहीं, इतने बड़े वॉल्यूम्स का डबल, तो इसका जवाब होगा आप तेजी आने वाली है। मैं आपको बताऊं, कल मैंने वीडियो बनाई जहां मैंने आपसे कहा कि विप्रो शेयर और आईटी स्टॉक्स के मुकाबले भागा नहीं है, इसमें तेजी बनेगी, यहां बाय करें, और बाकी आईटी स्टॉक्स में अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक करें। एंड ऑलमोस्ट ठीक निकली है बात। अभी विप्रो आज भी पॉजिटिव ही बंद होता हुआ देखा, मेरे पास एक आध कमेंट आया विप्रो कम भागा है, तो उसका जवाब है कि अब विप्रो भागेगा। सिंपल, 500 रुपए तो एक ट्रेडर के लिए टारगेट है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं डरना जिसकी 550-600 रुपए भी बाइंग है ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे ये स्टॉक क्या मांग रहा है? टाइम। अब ऐसा तो नहीं सकता यार मैं बोलूं 650 कल आ जाएगा, एक महीने में आ जाएगा, तो ऐसा मैं बोलूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं आप सभी से डायरेक्टली। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बोलूं भाई 650-700 का स्टॉक एक महीने में हो जाएगा, 3 महीने में, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। हो जाए वो अच्छी बात है, बट मेरे पास ऐसा कोई रीजन है नहीं जो मैं ऐसा बोलूं। प्लस मार्केट में भी ऐसी कोई तेजी नहीं दिख रही मुझे भी, और प्लस आईटी स्टॉक तो नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं, ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। अब मैं एक एक करके आपके साथ रीजन शेयर करता हूं क्यों कहता हूं मैं ऐसा। देखिए, स्टॉक में सबसे पहले हम लोग, मैं जो है पर्सनली, मैं किसी भी स्टॉक में अगर कोई भी बाय करने जाऊं तो सबसे पहले तो मैं उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहूंगा कि यार भरोसा कितना कितना किस किस को है, ठीक है। अब मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ रहा हूं, तो प्रमोटर 73% होल्ड करते हैं और मैक्सिमम जो है 75% तक होल्ड कर सकते हैं। दैट मींस पूरा भरोसा है यार कंपनी को खुद पे ही, तो 73% तो प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। आगे बढ़ते हैं, FIIs का भी अच्छा खासा भरोसा है, 8.11% FIIs भी कर रहे हैं। DIN म्यूचुअल फंड्स हल्का कम है इनका, बट है 3.22% का है। रिटेल इन्वेस्टर के पास रह गया 15.67, यानी मैं देखूं तो मोटा मोटा शेयर 85% शेयर बड़े लोगों के हाथ में है जो डायरेक्ट 1-to-1 मैनेजमेंट से मीटिंग करके बाय करते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया भाई 50% तो यही देख के। अब मैं देख लूंगा चेंज कितना हुआ है,
एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना चेंज हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अब रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स में 1 करोड़ का मार्केट के अनुमान से कम रह गया, 10% गिर गया स्टॉक। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन महंगे थे। अब मैं आ रहा हूं भाई सेकंड नंबर वैल्यूएशन चेक करने की, वैल्यूएशन क्या महंगे हैं क्या स्टॉक के। डेट टू इक्विटी तो चलो ठीक है, रीजनेबल है, बहुत ना के बराबर है। अब मैं वैल्यूएशन देख रहा हूं तो 4x के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बाकी आईटी कंपनीज से कंपेयर करूं तो इंफोसिस 8 और 9x के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। SCL टेक कर रहा है भाई 4x प्राइस टू बुक वैल्यू पे, और टेक महिंद्रा अब उससे तो थोड़ा बड़ा ही है कंपनी का हिसाब किताब, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़े वैल्यूएशन ज्यादा मिले चाहिए। ज्यादा मिले या ना मिले लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन है, इतना तो हो गया। 20 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बढ़िया है। अब मैं देख लेता हूं उसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी इक्विटी कितना है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, दे भी देखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखूं तो 20% का निकल के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया यार, और क्या चाहिए हमें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.41% का, ये तो और भी शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों ऑलमोस्ट 27% पे है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.55% पे है, तो बहुत सब कुछ तो शानदार है, दिक्कत कहां है। पैट की बात करें तो 10,868 करोड़ का FY21 में पैट करा है, FY20 में 9,772 करोड़ का पैट करा है। सेल्स 62,000 करोड़ की हो गई है 61,000 से बढ़कर, तो सेल्स में उतना इंपैक्ट नहीं है बट हां प्रॉफिट में। तो मुझे जो मिला देखने को वो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिखा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा दिखा, वैल्यूएशन भी मुझे रीजनेबल लगे। अब मुझे यहाँ पे मिलता है मौका खरीदारी करने का। अब सबसे बड़ी चीज स्टॉक ट्रेड कहाँ कर रहा है, तो स्टॉक भाई 739 का हाई है और 478 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स एक लार्ज कैप, एक निफ्टी का स्टॉक ऊपर से 40-45% करेक्शन में मिल रहा है, मेरे लिए हो गया भाई एक वैल्यू बाइंग। सिंपल 4.5% की डिविडेंड यील्ड और आ रही है स्टॉक में, वाह, और तो चाहिए ही नहीं। तो इतनी सब कुछ देखने के बाद मैं ये नहीं देखूंगा कि यहां से कितना और गिरेगा, मैं ये देखूंगा मुझे बाय करना है एंड मुझे हर गिरावट पे ऐड करना है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, सब कुछ अच्छा है, स्टॉक की करेक्शन भी अच्छी हुई है मार्केट के साथ। अब ये स्टॉक यहां से जितनी भी गिरावट देगा वो मेरे लिए और खरीदारी करने का मौका होगा, एक बार में पैसा लगाना नहीं है। अब ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल टारगेट और चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे स्टॉक नेगेटिव है स्टॉक, हालांकि 400 के डायरेक्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 430 के आ रहे हैं और 443 तक गया भी था स्टॉक, बट जो ये बाउंस बैक और जो भी कह सकते हैं आप शॉर्ट कवरिंग है, ये थोड़ा बहुत और सस्टेन कर सकती है। स्टॉक अगर 488 के ऊपर निकलता है तो 500 और 510 के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे, तो मेरे हिसाब से बने रहने और बाय करने की सलाह होगी। ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक पे, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।